ओम नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में जंक फूड खाने की आदत को कैसे छुड़ाया जाए। इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। योग बच्चों का मन शांत करता है, उनके इमोशंस को बैलेंस करता है और उनके माइंड को रिलैक्स करता है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कुछ योगा प्रैक्टिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे कुछ प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम और कपाल भाती प्राणायाम प्रमुख हैं। अनुलोम विलोम में आप दाई नासिका पर दाएं अंगूठे को रखेंगे और बाई नासिका से श्वास को खींचेंगे और फिर दाई नासिका से श्वास को खींचते हुए बाई नासिका पर छोड़ेंगे। कपाल भाती प्राणायाम में आपका पेट अंदर जाएगा और आपकी श्वास बाहर आएगी। अब हम करेंगे कुछ योगासन जो बच्चों के माइंड को शांत करते हैं और उनमें डिसिप्लिन लाते हैं। सबसे पहले करेंगे बालासन। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठें। आहिस्ता आहिस्ता हाथों को आगे की तरफ नीचे झुकते हुए माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। अब हम करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेटते हुए अपने हाथों को चेस्ट के पास लाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। फिर नीचे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद करेंगे धनुरासन। हाथों दोनों पैरों को पंजों को पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेंगे श्वास लेते हुए। कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे, फिर नीचे आएंगे श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन और ताड़ासन। वृक्षासन में सबसे पहले सीधे खड़े होंगे, एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथों को ऊपर उठाएंगे और कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे, फिर नीचे आएंगे। इसके बाद करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पंजों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे। इन योग और प्रणामों के करने से बच्चों में जंक फूड खाने की आदत कम होगी और उनका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास अच्छे से होगा। इन योग प्रणामों को आप डेली रूटीन में बच्चों से 10 से 15 मिनट कराएंगे तो वे स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।